नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मंडी ऑनलाइन चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मैसेज वाला जो सिस्टम था उसके ऊपर सरकार की जो बड़ी खबर आई है। सरकार ने जो है नई जो है एक रणनीति बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि जो सरकार ने उस फैसले को जो है एक किस्म से यही मानिए कि नकार ही दिया है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक और फॉलो कर लें, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और आपको समय पर जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, अब तक जो है मंडियों में जो सिस्टम क्या चल रहा था वो ये था कि जो सरकार है वो आपके पास एक दिन मैसेज भेजती थी और आपको उसी दिन जो है फसल जो है लेकर जानी होती थी और तभी वो आपके MSP पर बिकती थी। अगर आप नहीं लेकर जाते थे तो वो MSP पर नहीं बिकती थी। तो किसान भाई, इसमें जो है बहुत सारे जो है आप बोल सकते हैं कि किसानों को बहुत सारी परेशानियां आई, क्योंकि कई बार तो सरकार ने बिल्कुल खिलवाड़ तक किया है किसानों के साथ। दोपहर को जो है मैसेज आता था कि लेके आओ, शाम के 5 बजे तक लेके जानी होती थी, कई बार तो 2 बजे या 3 बजे भी मैसेज आता था कि अभी लेकर आओ, दोपहर के 2-3 बजे और 4-5 बजे तक जो है ज़मींदार को लेकर जानी पड़ती थी, जिसमें किसानों को बहुत परेशानी हो रही थी। कभी तो जो है कंबाइन वगैरह जो कटाई के लिए समय पर पहुंच नहीं रही थी, और अगर पहुंच रही थी तो परेशानी ये हो रही थी कि पहले गेहूं को घर पर ले जाकर रखना पड़ता था और बाद में जो है गेहूं को मंडी ले जाना पड़ता था। तो इसमें जो है किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफ़ी लंबे समय तक जो है ये सिलसिला चला है पिछले सालों से। जो है अब की बार अगर हम बात कर लेते हैं तो अब की बार सरकार ने एक और नया नियम लागू किया था। अभी कल परसों ही मैंने वीडियो डाली थी, लेकिन अब वो भी सरकार ने रद्द करने का फैसला लिया। वो नियम क्या था? वो नियम ये था कि सरकार आपको दिन निर्धारित करके देगी, 4 या 5 दिन, हो सकता है 10 या 12 दिन की भी एक लिस्ट आपको दे दे, और उस लिस्ट में से आपको एक दिन चुनना था अपनी मर्जी से जिस दिन आपको फसल मंडी में लेके जानी थी। लेकिन इसके तहत भी गड़बड़ें हुई, लोगों को इसमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है यही ये दिन ही निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि जो है दिन जो है कैसे निश्चित करें, कि हो सकता है कि उस दिन कंबाइन वाला ना आए, या हो सकता है कि आ गया तो फिर वही प्रॉब्लम होगी, अगर 2 दिन पहले भी आ जाता है तो फिर वही प्रॉब्लम होगी कि जो गेहूं है उसको काट कर पहले घर पर लेकर आना होगा, वो उसको उतारना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा से लोड करके जब मंडी का जो आपने दिन निर्धारित किया होगा फिर दोबारा से लोड करके मंडी में लेकर जाना होगा। इससे क्या क्या होगा, जो किसानों को है 2 गुना नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जो है एक बार तो उसको खेत से लोड करके घर पे लेके आने का पैसा, और सस्ता तो कोई है नहीं, हर किसान के पास जो है साधन उपलब्ध नहीं है, ट्रैक्टर वगैरह। तो पहले उसको खेत से घर लेकर आता था, एक बार का खर्चा हुआ, फिर उसको दोबारा लोड करता था और मंडी में लेकर जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि जो है किसान को जो है कितना मजबूर किसान हो गया था, 2-2 बार, कोई आसान काम नहीं है इसको लोड करना और अनलोड करना। तो 2-2 बार आप देख सकते हैं किसान को लोड करना पड़ता था, और बड़ी परेशानियों का जो सामना किसानों को इसके लिए जो है करना पड़ रहा था। तो किसान भाइयों, इसी को देखते हुए जो है किसान जो है इसका विरोध काफ़ी समय से कर रहे थे, बहुत अलग अलग मंडियों में इसका विरोध जारी था। तो किसान का फैसला आया है, सॉरी सरकार का जो है नया फैसला आया है। सरकार ने ये बोला है कि आपको जो है अगर आपने पंजीकरण किया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर, अगर आपने पंजीकरण कर रखा है तो आप चाहे मंडी में किसी भी दिन फसल लेकर जाएं, आपकी फसल MSP पर ज़रूर बिकेगी। अब दिन वाला चक्कर आपका ख़त्म हुआ, आप उस दिन लेकर जाएं या ना लेकर जाएं, जिस दिन भी आपकी जो फसल तैयार होती है कटाई होकर जैसे ही आप उसको लोड करके लेके आते तो आप सीधा उसको मंडी में लेकर जा सकते हैं। क्योंकि अगर बात ऐसी है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा मेरा ब्यौरा मेरी फसल पोर्टल पर, तो किसान भाइयों आपकी फसल मंडी में बिकेगी और ज़रूर बिकेगी, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। ये तरीका सरकार ने जो दोबारा से अपना लिया है, और इसकी सूचना भी जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जो है सूचना इसकी हरियाणा सरकार की तरफ से मिल चुकी है, और कल मैंने देखा था कि जो कुछ अखबारों में भी जो है वो खबर जो है छापी गई है। पहले मुझे सूचना कई दिन पहले मिल गई थी कि जो है ये सब होने वाला है, लेकिन जब तक ऑफिशियल खबर कोई नहीं आती तब तक मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा मैं करता हूं तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो मुझे ही गालियां उल्टी देने लगेंगी। हालांकि बात मेरी सही होगी, लेकिन फिर भी मुझे गालियां देने लगेंगे कि भाई तूने कैसे पता कर लिया। तो इसीलिए मैंने जो है 1-2 दिन पहले वो वीडियो नहीं डाली,
मुझे पता था कि ये सिस्टम चेंज होने वाला है, मुझे जानकारी पहले इसकी मिल गई थी, क्योंकि कई दिन से जो है इस पर सरकार में जो है मीटिंग चल रही थी और फैसले लेने का जो समय आ चुका था, और मुझे मेरे गुप्त सूत्रों के माध्यम से इतना पता चल चुका था कि ये जो सिस्टम है रद्द होने वाला है और दोबारा से वही प्रणाली शुरू होगी कि जिस दिन आपकी फसल कटे आप लेकर आइए, आपकी फसल बड़े आराम से MSP पर बिकेगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो। तो किसान भाई वही हुआ, जैसे ही ऑफिशियल उसकी नोटिस जैसे ही उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास आई तो मैंने ये वीडियो में डाल रहा हूँ, मैं जो है बना रहा हूँ इस वीडियो को, आप तक ये पहुँच जाएगी सुबह, आप तक ये पहुँच जाएगी, मैं शाम को इस वीडियो को बना रहा हूँ तो आपको जो है सुबह इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो किसान भाइयों जिन जिन भाइयों को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था वो बिल्कुल भी ना घबराएं, वो जो सिस्टम था वो सरकार की तरफ से आप ख़त्म ही समझो। कल कई दिन पहले भी मैंने एक जो है सरकार ने जो नियम बदले थे वो एक लिस्ट जारी करने वाले, उस पर भी मैंने एक वीडियो डाली थी, तो कुछ किसान भाइयों को उस पर ये कहना था कि भाई ये जो सिस्टम है ये मैसेज वाला ये ख़त्म होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जो है सिर्फ किसान को परेशानियों का सामना जो है करना पड़ रहा है। तो सरकार ने उसी पर फैसला लिया है, मुझे पता था कि लेगी, क्योंकि ये जो है सिस्टम जो इन्होंने बनाया था ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, इससे सिर्फ नुकसान हो रहा था किसानों को, और बार बार लोड और अनलोड का खर्चा कौन देगा, किसान के पास इतना पैसा अगर होता तो किसान किसानी ही नहीं करता, जो हालात हमारे देश में हो गए हैं। तो इसीलिए तो मैंने ये वीडियो डाली है, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, पूरी जानकारी मैंने आपको इसमें दे दी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सिस्टम जो है बदल गया, हल हो गया है। बेशक आपके पास मैसेज आए, हो सकता है कि आपके पास मैसेज आए, सरकार ने अभी ये नहीं किया है कि मैसेज नहीं आएगा, ये बोला नहीं सरकार ने कहीं भी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोला है कि किसी भी दिन आप लेकर जा सकते हैं, जिस दिन भी आपकी फसल जो है तैयार होती है कटती है आप उसको खेत से सीधा लोड करके मंडी में लेकर जा सकते हैं। उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो आप पहले जो आप फसल को घर पर लेके जाएंगे फिर मैसेज आएगा, वो सिस्टम ख़त्म हो गया, अब वो नहीं चलने वाला। सरकार को ये इस बात का पता काफ़ी समय पहले सरकार को इसका जो पता चल चुका था, लेकिन जो इतना समय इन्होंने लगाया बस बैठकें करते रहे, नियम चेंज कर करके देखते रहे कि जो कौन सा चल सकता है, लेकिन इनका कोई भी नियम जो है नहीं चल पाया। तो किसान भाइयों ये थी पूरी की पूरी अपडेट, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये खबर कैसी लगी, क्योंकि बहुत अच्छी खबर है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें जो है ये कैसी लगी। और किसान भाइयों मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।